आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मेघ सथनीज। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। हमारी ये आज के ये क्वेश्चन सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और आपकी ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हैं जो कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को जल्दी में नहीं देख सकते तो उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? अठारह में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तेरह अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? इक्कीस जून को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गर्गोर मेडल ने। अगला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, धवनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसीबल में। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में
हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 362 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, हेली पूछल तारा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। अगला क्वेश्चन है, मैनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रूव की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? सपुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? RAM, रैम रेडोम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? अक्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर और पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया है? नादिर शाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेटेन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।